जी गुड मॉर्निंग आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रोमेटोग्राफी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी उसके प्रिंसिपल उसकी थ्योरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आपका साइज़ एक्सक्लूज़न क्रोमेटोग्राफी इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रोमेटोग्राफी की आ, लिंक शेयर कर रहा हूँ आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिटेल में हर एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी को समझा रखा है तो स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है क्रोमो प्लस ग्राफी क्रोमो का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग uh, तो वैसे क्रोमेटोग्राफी uh, का मतलब हो गया है कलर राइटिंग तो कलर के बेस पे हम जब सेपरेशन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ऐसी जो एनालिटिकल टेक्निक होती है उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं एक अरेसियन बॉटनिस्ट हुए हैं टी स्वेट इन्होंने 1903 में क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तीसरी तीसरा जो पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी आपकी सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों टेक्निक हैं मतलब सेपरेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई अननोन नोन मिक्सर है आपको ये पता करना है कि उस अननोन मिक्सर में क्या क्या है तो आप पहले आ, आ, आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जो आपने आइडेंटिफाई किया है आप उनका सेपरेशन भी कर सकते हैं तो क्रोमेटोग्राफी की आपकी सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों तरीके की टेक्निक है अगर हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी मुझे सबसे पहले स्टेशनरी फेज स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब जैसे ही समझ में आ रहा है स्टेशनरी का मतलब हो गया स्टेबल फेज स्टेशनरी वो फेज़ होती है जिसपे मोबाइल फेज क्या करती है ट्रैवल करती है या रन करती है ये स्टेबल होती है अब इसको कैसे समझ सकते हैं जैसे आ, गाड़ी है और रोड है तो रोड पे क्या होती है रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो तो रोड हमारे लिए क्या है रोड फिक्स है रोड क्या है स्टेबल है जैसे ये कॉपी है तो ये कॉपी एक सपोर्टिंग टूल का काम कर रही है और इस टूल पे मैंने इस कॉपी पे मैंने पेपर से लिखा है तो स्टेबल फेस कौन सी है कॉपी है तो स्टेशनरी फेस हमारे लिए क्या है कॉपी लेकिन जो मोबाइल ये मोबाइल फेस कौन सी है जो इंक है पेन की जिससे ये लिखा गया है वो क्या है हमारे लिए मोबाइल फ़ेज़ है तो स्टेशनरी फेज़ जिसपे मोबाइल फ़ेज़ ट्रेवल कर सकता है वो स्टेबल होती है एक बात गैसेस आर नेवर स्टेशनरी फेज गैस कभी स्टेशनरी फ़ेज़ हो सक नहीं हो सकती है अगली बात मोबाइल फ़ेज़ मोबाइल फ़ेज़ वो फेज़ होती है जो जो मूवेबल होती है या जो ट्रेवल करती है या फिर ऐसे कहिए वो फेज़ जो जो आपके स्टेशनरी फ़ेज़ पे रन करता है वो क्या है आपकी मोबाइल फ़ेज़ है और सॉलिड भी कभी भी आपके मोबाइल फेज नहीं हो सकते हैं अगली टर्म है एलुटेंट एलुटेंट क्या होती है कॉलम uh, में जो लिक्विड uh, इंटर करता है उसको एलुटेंट कहते हैं अभी मैं जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझाऊंगा आपको तो तब मैं आपको इसको कहूंगा एलुटेंट क्या हो गया है इंटरिंग कॉलम एलूड का मतलब हो गया है कि जो लिक्विड uh, या फ्लूड आपका कॉलम से बाहर निकलता है उसे अलूट कहते हैं एनालैट वो होता है जिसका आप सेपरेशन करते हैं जिसका आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं अब अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक तो यहाँ पे हम कुछ टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ने वाले हैं तो पहली टेक्निक है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जबकि मोबाइल फेज़ आपका लिक्विड होता है और सेपरेशन का बेसिस क्या होता है पोलारिटी के बेस पर हम सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल का में? पेपर में अभी इसको भी हम आ, डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरा हो गया है टीएलसी टीएलसी स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जबकि मोबाइल फेज आपका लिक्विड होता है पुलारिटी uh, जो होता है वो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है और एब्जॉर्प्शन के बेस पे सॉपरेशन होता है तीसरा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जबकि मोबाइल फेज लिक्विड होता है और पोलैरिटी के बेस पे आपका क्या होता है सेपरेशन होता है तो मतलब पेपर हो गया टीएलसी हो गया कॉलम हो गया इन चारों में मोबाइल इन तीनों में मोबाइल स्टेशनरी फेज तो आपकी सॉलिड है मोबाइल फेज आपकी लिक्विड है और सेपरेशन का बेसिस क्या है पोलैरिटी अगला है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन्स जो हैं वो स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है कैटाइन या रेजिन हो गया है लिक्विड uh, होता है आपका मोबाइल फेज और आयन एक्सचेंज विथ मॉलिक्यूल जो होता है वो सेपरेशन का सेपरे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्या होते हैं वो सेपरेशन का बेसिस होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जबकि मोबाइल फेज लिक्विड होता है एफिनिटी ऑफ आयनस क्या होता है बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है आखिरी हो गया है गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड और सॉलिड यहाँ पे दोनों हो सकते हैं और जबकि मोबाइल फेज आपका इनर्ट गैस जैसे हीलियम और आर्गन हो सकते हैं और सेपरेशन का बेसिस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ये टेबल है इस टेबल को समझना है अब हम मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन कुछ कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है और और एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ एब्जॉर्प्शन के, के लिए कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो कौन कौन से हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया है डाइपोल इंड्यूज इंट्रैक्शन हो गया मतलब ये हो गया अगर ये मेरी सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे एबजॉप्शन हो रहा है तो यहां पे एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन हो रहा होगा या डायपोल इंड्यूस इंट्रेक्शन हो रहा होगा तो जो पोलर स्टेशनरी जो फ़ेज़ होते हैं इंट्रैक्ट विथ पोलर मोबाइल फ़ेज अगर मेरी स्टेशनरी फ़ेज पोलर है उस वो बढ़िया बॉन्डिंग करेगी किसके साथ पोलर मोबाइल फ़ेज़ के साथ और अगर नॉन पोलर स्टेशनरी फ़ेज़ है तो वो नॉन पोलर मोबाइल फ़ेज़ के साथ बढ़िया बॉन्डिंग करेगी इसको ऐसा समझो एलुमिना एलुमिना आपका बढ़िया पोलर मॉलिक्यूल पोलर स्टेशनरी फेज़ है तो एलुमिना uh, के साथ अगर मोबाइल फ़ेज़ आपका पोलर होगा क्योंकि एलुमिना पोलर है मोबाइल फ़ेज़ भी पोलर होगा अगर आपका तो इन दोनों में बढ़िया बॉन्डिंग होगी और अगर आप जैसे सिलिका जल है जो नॉन पोलर है तो वो बढ़िया इंट्रैक्शन करेगा नॉन पोलर मोबाइल फ़ेज़ के साथ अब अब यहाँ पे इस बात को समझिए यहाँ पे से ये काम की बात अब शुरू होती है इफ़ एलुमिना इज़ यूज एज ए स्टेशनरी फेज देन नॉन पोलर विद फर्स्ट अब एलुमिना अगर स्टेशनरी फेज की बतौर काम करेगा देन नॉन पोलर कंपोनेंट विद फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टेशनरी फेज अगर क्या है एलुमिना है जो कि कैसा है पोलर है अब आपका अब जो नॉन पोलर कंपोनेंट होंगे वो इल्यूट करेंगे क्योंकि देखो जो मिक्सर होगा आपके पास मिक्सर में आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं लेकिन आपका स्टेशनरी फेज क्या है स्टेशनरी फेज पोलर है तो जो आपके मिक्सर का जो पोलर कंपोनेंट होगा वो तो बॉन्डिंग कर देगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा लेकिन जब आपका नॉन पोलर वाला हिस्सा होगा वो क्या करेगा ज़्यादा मूव कर लेगा तो वो ज़्यादा वो एलूट फर्स्ट हो जाएगा और इफ़ नॉन पोलर सिलिका जेल इज यूज एज अ स्टेशनरी फेज देन पोलर कंपोनेंट विल इल्यूट फर्स्ट मतलब अगर आपका सिलिका जेल जो नॉन पोलर है अगर आप उसको बतौर स्टेशनरी फेज काम करवाएंगे तो जो नॉन पोलर कंपोनेंट पोलर कंपोनेंट होंगे वो पहले इलूट होंगे क्योंकि सिलिका जेल कैसा है नॉन पोलर है मिक्सर का मिक्सर में क्या है पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं तो नॉन पोलर क्योंकि सिलिका जेल नॉन पोलर है तो मिक्सर का नॉन पोलर वाला हिस्सा तो बढ़िया बॉन्डिंग करेगा पोलर वाला बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो इसीलिए पोलर वाला बाहर निकल जाएगा अब एक आखिरी बात पेपर टीएलसी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी सब का सेपरेशन का बेस क्या है एब्जॉर्प्शन है दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बोथ स्टेशनरी एंड बोथ स्टेशनरी एंड बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज आर लिक्विड पार्टीशन क्रोमीटोग्राफी में दोनों स्टेशनरी और मोबाइल फेज लिक्विड होते हैं बोथ लिक्विड स्टेशनरी मोबाइल फ़ेज एट सेम नेचर जो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फ़ेज में जो लिक्विड होते हैं दोनों सेम नेचर के होते हैं क्या इसका मतलब कि अगर स्टेशनरी फेज अगर आपका पोलर है तो मोबाइल फेज भी क्या होगा पोलर होगा बोथ गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशियन दोनों जो लिक्विड होगा उनका सेपरेशन होता है पार्टीशन कोफिशियंट के बेस पे तो पार्टीशन कोपि क्रोमेटोग्राफी में जो पार्टीशन होता है वो पार्टीशन कोफिशियंट के बेस पे होता है रेट ऑफ सेपरेशन इज बेस अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड जो रेट होता है वो सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करता है सेपरेशन इज बेस ऑन द पार्टीशन कोफिशियंट और जो सेपरेशन होता है वो पार्टीशन कोफिशियन के बेस पे होता है ठीक है जी अब आते हैं आयन एक्सचेंज आयन एक्सचेंज जो होता है सॉल्यूट आयन इन मोबाइल फेस कैन एक्सचेंज विद काउंटर आयन विद सेम चार्ज तो जो सॉल्यूट आयंस होते हैं मोबाइल फेज में वो काउंटर आयन के साथ क्या कर जाते हैं एक्सचेंज कर जाते हैं और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एफिनिटी मोबाइल फेज एफिनिटी बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड कंपोनेंट आयन डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो मतलब आपका स्टेशनरी फेज़ की काउंटर क्वांटन के साथ जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उसके बेसिस पे सेपरेशन रेट ऑफ सेपरेशन वही होगा आखिरी होता है साइज एक्सक्लूजन और साइज एक्सक्लूजन में जो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है वो होता है आपका साइज ऑफ आयंस के बीच में बेसिस पे अब आते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले इस पे तो मैंने वीडियो बना रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी दे दे रहा हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर यूज़ करते हैं जैसे ये पेपर हो यूज़ हो रखा है ये पेपर जो होता है ये नंबर जोनरली वाटमैन फिल्टर पेपर होता है वॉटमैन नंबर वन फिल्टर पेपर होता है और ये सेलूले से भी बन सकता है फाइवर से शुगर से बन सकता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं एक पेपर लेते हैं उस पेपर को आप क्या करते हैं आप उस पेपर पर पेंसिल से एक लाइन खींचते हैं एक आ, मतलब नीचे से एक सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से खींचते हैं पेंसिल नहीं खींचेंगे पेंसिल से लाइन खींचते हैं और आप यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्वेंट डेवलप कर यहाँ कोई सॉलवेंट डालते हैं ठीक है अब यहाँ पे जहाँ पे आपने क्या कर रखा है ये अपने ये कर रखा है बेस लाइन बना रखी है इस बेस लाइन पे आप क्या करते हैं अपना वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन स्पॉट लगाए एक स्पॉट ये लगाया मैंने यहाँ पे एक कलर का लाल कलर का यहाँ पे काले कलर का यहाँ पे पीले कलर का तो जैसे जैसे अब क्या होगा कि ये जैसे जैसे ये सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो सॉलवेंट अपने साथ इन कलर को भी ऊपर लेके जाएगा और उसके बेसिस पर हम ये सोच देखेंगे कि भाई कौन सा कलर कितना ऊपर गया उसके बेसिस पर हम सेपरेशन कर सकते हैं तो बेसिकली पेपर कॉमेटोग्राफी दो तरीके की होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर अगर आपका अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो असेंडिंग हो गया और अगर नीचे की तरफ़ आ रहा होगा तो वो डिसेंडिंग हो गया तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ मैं सबसे पहले आप पेपर लेते हैं पेपर पे आप एक सेंटीमीटर नीचे पे बेस लाइन खींचते हैं बेस लाइन पेंसिल से खींचते हैं वहाँ पर आप अपने जो जिसका भी आपको एनालिसिस करना है जो भी आपका मिक्सर है उसको डिप कर उसको कैपलरी uh, के से यहाँ पर रखते हैं उसकी ड्रॉप यहाँ पर रखते हैं सॉलवेंट चढ़ाते हैं तो जब सॉलवेंट मतलब जब ये पेपर एब्जॉर्प्शन शो करता है तो ये जैसे जैसे ये पेपर एब्जॉब एबजॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब होगा सॉल्वेंट के साथ तो वो अपने साथ किसको लेके जाएगा आपके आपके जो कंपोनेंट है उनको भी लेके जाएगा और कौन सा कंपोनेंट कितना चढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं सेपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे एक आरफ वैल्यू होती है अरब वैल्यू होती है डिस्टेंस टेबल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना चला आपका ये कितना चला और आपका सॉलवेंट कितना चला उसके बेसिस पे आप आरफ़ वैल्यू और अरफ वैल्यू के बेसिस पर आप सेपरेशन करते हैं अरब वैल्यू जीरो से एक के बीच होती है अरब वैल्यू यूनिट होती है अब स्प्रिंग एजेंट अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको जो स्पॉट होते हैं वो आपकी अपनी नेकडा आइज से नहीं दिखाई देते इसलिए आप यू वी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी मदद लेते हैं या स्प्रेइंग एजेंट की मदद लेते हैं जैसे एच टू एस गैस होता है ग्रुप सेकेंड और ग्रुप फोर्थ के लिए काम करती है के टू सी आर टू सेवन या ए जी ए नोट थ्री जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटाइन ए हो और जब आपको प्रोटीन और अमीनो एसिड का सेपरेशन करना होगा तो तब आपका निन हाइड्रेन जो होता है वो आपका स्प्रेइंग एजेंट का काम करता है किसके लिए आपका प्रोटीन और अमीनो एसिड के लिए अब आखिरी चीज आती है आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो आइडेंटिफिकेशन और प्योर सेपरेशन दोनों टेक्निक हैं इससे आप आइडेंटिफ़ जैसे पेपर से आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं लेकिन कॉलम से आप आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन दोनों करते हैं स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है मोबाइल फेज लिक्विड होता है प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन होता है अब देखिए एब्जॉर्बेंट सिलिका तो सबसे पहले ये आपके पास कॉलम है कॉलम इस तरीके की एक चीज होती है एक ये ग्लास की बनी हुई होती है आ, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं फिलिंग ऑफ कॉलम करते हैं तो जहाँ पे ये कर्वी पार्ट है यहाँ पे ये जो कर्व है इस वाले इस कर्वी वाले पार्ट पे आप क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप कॉटन रखते हैं कॉटन क्यों रखते हैं कॉटन इसलिए रखते हैं कि ताकि आप जो ऊपर से आप एब्जॉर्बेंट डालेंगे मतलब कोई सॉलिड मटीरियल डालें जैसे सिलिका जेल डालेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा कॉटन को फिल करते हुए ये ध्यान रखेंगे कॉयटल इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्लॉक कर दे और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो वो आपका सॉल्वेंट है या आपका जो मिक्सर है उसको नीचे ला दे तो सबसे पहले आप कॉलम कॉटन फिल करते हैं सबसे इस कर्वी पार्ट पर उसके बाद आप यहाँ पे सिलिका जेल अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं सिलिका जेल अप्लाई सिलिका जेल से एलुमिना से इसको भर देते हैं समझ में आई बात सिलिका जेल मान लीजिए मैंने इसे सिलिका जेल से बनाया सिलिका जेल कैसा है नॉन पोलर है अब मैं यहाँ पर जो मिक्सर को मुझे सोल्व वो करना है सेपरेट करना है मैं उसको डालूंगा और ऊपर से मैं सॉलवेंट इस्तेमाल करूँगा अलग अलग सॉलवेंट अब सोल्वेंट की पोलारिट मान लीजिए ये जो मिक्सर है इस मिक्सर में पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट अगर मौजूद हैं और मेरा सॉल्वेंट अगर पोलर है तो पोलर पोलर इंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से आपका पोलर पोलर में तो बॉन्ड बन जाएगा वो तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा लेकिन जो नॉन पोलर वाला हिस्सा होगा वो ट्रैवल करने लग जाएगा तो नॉन पोलर वाला आपका क्या हो जाएगा पहले बाहर निकल जाएगा अब उसके बाद क्या कर दूंगा मैं अब मेरा मुझे पता चल गया कि नॉन पोलर तो निकल गया अब मेरे पास पोलर वाला बचा हुआ है तो फिर मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा मैं अब नॉन पोलर सॉल्वेंट लगा पोलर सॉल्वेंट लगा दूंगा तो नॉन पोलर वाला हिस्सा में पोलर लगाऊंगा तो नॉन पोलर वाला हिस्सा में मतलब मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा उसके बेसिस पे टी अगला आता है टी पेपर ही की तरह होता है बस पेपर की जगह पर आप एक थिन लेयर आप 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 एक टी प्लेट लेते सेम काम करती है वो और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्रोमेटोग्राफी के वीडियो के लिंक लगा रखे हैं आप उनको भी देख सकते हैं